अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मकसूद और मेरे चैनल का नाम है मकसूद डिस्कवरवल। आज मैं आपके पास एक ऐसी चीज़ डिस्कवर करके लेके आया हूँ जो अभी तक कराची में किसी के पास भी नहीं है। और ये आइसक्रीम रोलर कोस्टर जो इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत ही मुनफरद नाम है, बहुत मुनफरद नाम है ये। जैसे आपने सुना होगा कि जो है ना, शौहर और वाइफ जो है, बीवी जो है, हस्बैंड एंड वाइफ जो है, गाड़ी के दो पहिए हैं और साथ मिलकर चलते हैं। ऐसे ही इस भी आइसक्रीम पार्लर का नाम जो है हस्बैंड एंड वाइफ है, और उन्होंने एक बिल्कुल मुनफरद जो है ना आइसक्रीम इंट्रोड्यूस कराई है, जिसको हम आइसक्रीम रोलर कोस्टर बोलते हैं ना। ये अभी कराची में पायनियर हैं, किसी ने भी अभी कराची में ये इंट्रोड्यूस नहीं कराई है। तो अभी हम चलते हैं आगे और फिर इसके बारे में सारे डिटेल लेते हैं। आइए मैं मिलवाता हूँ आपको यहाँ के जो पायनियर हैं रोलर कोस्टर के, जफर अहमद न्याजी साहब हैं। उन्होंने जो है ये आइसक्रीम मुतारिफ कराई है यहाँ पे, और इसकी अभी हम लोकेशन भी बताएंगे आपको, एड्रेस भी बताएंगे, और क्या क्या फ्लेवर हैं इसके वो भी हम पूछते हैं जफर साहब से। तो आइए जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? खरीद सेंगे सर, ये आपने तो बिल्कुल एक ज़बरदस्त चीज़ जो है इंट्रोड्यूस करा दी है। अभी तक कराची में तो कोई भी नहीं है अभी आइसक्रीम, आप ही पायनियर हो गए ये। तो आपके पास ही इसका लगा भाग्य कि भाई आप भी जो है ना इसके फर्स्ट पायनियर हैं रोलर कोस्टर के, क्योंकि मैंने देखा ये इंडिया में या पंजाब में एक आध जो है, यहाँ कराची में किसी के पास नहीं है। हमने भी एक इंडिया का ही ब्लॉग देखा था, अच्छा आइडिया अच्छा हुआ क्रिएट किया। तो बहुत ज़बरदस्त और मुनफरद है, और माशाल्लाह जैसा मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग देखते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। तो आप मुझे बताइए इसका क्या प्रोसेस है और कैसे बनाते हैं इसको? ये बेसिकली बर्फ जो है इसके अंदर होती है, ये होलो ड्रम होलर है, ड्रम होलर है। इसके अंदर बर्फ है, नमक वो इस पर ठंडा करती है, हर बर्फ आती है। ये लाइट बिल्कुल ऐसी जैसे कुदरती बर्फ होती है ना, ये अगर आप करेंगे अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये अमोनिया फ्री है, अमोनिया डाल के आइसक्रीम खाते हैं वो प्रिजर्व की जाती है। सही, हम आपको सेम टाइम पर ही हमारे शेक बने हुए ठीक है, ओरिजिनल फ्लेवर है, ओरिजिनल फ्रूट हैं जिनका लेकिन बनाए टाइम को सेव करने के लिए, सारे फ्रूट अंदर ही हैं। ये भी मिल्क शेक है, ये देखिए व्यूअर्स, ये चीकू का मिल्क शेक है जो अभी ओरिजिनल मिल्क शेक बन रहा था। अभी ये मेरे सामने ही बन रहा था, मिसेज बना रही हैं जबर साहब की, हस्बैंड एंड वाइफ जैसे आइसक्रीम पार्लर का नाम है। ये चीकू फ्लेवर है और बहुत सारे हैं जो ये लाइव बनाते हैं, और लाइव ही यहाँ पे मिल रहा होता है। वो रेट्स मैंने अभी आपको बोर्ड चला दूँगा मैं रेट कार्ड्स का, तो वो आप देखेंगे। और ज़बरदस्त बताइए और क्या क्या आपके पास फ्लेवर है? जिसमें हमारे पास चॉकलेट है, बनाना है, चीकू है, स्ट्रॉबेरी है, कॉफ़ी है, और इसके अलावा हमारे पास अभी हम पान और रोज़ स्टार्ट करने वाले हैं, इंशाल्लाह इस वीक हम स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा हम लोग अनार है, मौसमी है, तीनों है। तो हमने थोड़ा सा मौसम को देखते हुए इसका हमने थोड़ा सा इसका प्रोसेस हमने थोड़ा सा साइड पर कर दिया। इसमें हमारे साथ ज़्यादातर मुझे क्योंकि बच्चे भी खाने के लिए आता है, बट हमारी आइसक्रीम नुकसान भी थी। आइसक्रीम तो वैसे भी जो है ना आइसक्रीम लवर, तो वो सर्दी हो गर्मी हो उसमें तो आइसक्रीम खानी है ना। बिल्कुल, और ये तो बिल्कुल एक मुनफरद है। तो यहाँ पे तो फैमिलीज और बच्चे जो आ रहे हैं वो तो मैं देख ही रहा हूँ, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है। समझिए कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा जो हमें फीडबैक मिल रहा है लोगों से, मजीद हम क्या कर सकते हैं, फिर जो आगे तक हमें किस तरह की पजीराई मिल रही है काम को करने की, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो वो चीज़ हमारी हिम्मत पाती है। और अलहमदिल्ला हम अपने फ्लेवर में क्या करते हैं, अपने स्किन फ्लेवर में तो आर्टिफिशियल चीज़ हम टॉपिंग करते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। बट जो हम आपको आइसक्रीम प्रोवाइड कर रहे हैं जी जी है, ये फ्रोज़न नहीं है, ये आपके सामने मेल्टेड फॉर्म में जी हम जब उसको डालते हैं तो वो जमती है, फिर हम आपको आइसक्रीम में निकाल के देते हैं। तो आप खाते भी देखेंगे आपको बहुत डिफरेंट रहेंगे। रिवर्स देखें, इसकी ख़ास बात जो वो ये है कि ये जेन्युइन है। जेन्युइन से मुराद मेरी ये है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ भी नहीं है, प्योर फ्रूट है, उसका शेक बनाया जाता है। मुख्तलिफ जो ये देखें आप ये रखे हुए हैं इनके पास, ये जो है ये फ्रेश मिल्क रखा हुआ है, चॉकलेट है, और ये बनाना है, ये चीकू है, ये इसके ओरिजिनल को जो है जो फ्रूट है उसी को शेक बनाते हैं। शेक बनाने के बाद फिर इसके ऊपर जो है चलता है और वो आइसक्रीम कोडिंग होना शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है फिर वो कप में जो है सर्व की जाती है ना। तो बाकी आप अंदर चलते हैं, अंदर का भी व्यू लेते हैं। और ये देखिए एक और आया है, ये अभी ये कौन सा आया है जबर साहब? ये स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी देखें, स्ट्रॉबेरी शेक बन के आ गया है। अब ये स्ट्रॉबेरी भी जो है आइसक्रीम जो है, जिसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए वो स्ट्रॉबेरी लेगा।
स्क्रीन जो हमारा स्मॉल का है वो 180 का है, अच्छा मीडियम 220 का है, ऑफ सीजन आइटम इसलिए नहीं है जी जी। कॉफ़ी हम ऑर्डर पे बना के देते हैं, अच्छा तो लोग कॉफ़ी पीते हैं तो ये कॉफ़ी खिलाएंगे। गर्मियों में तो मैंगो आइसक्रीम भी तो आपके पास बाहर हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि आप तो मैंगो के सारे फ्लेवर चलाएंगे, चौसा भी चलाएंगे और दूसरे भी चौसा जी जी। इस पर हमारा ज़्यादा जो होगा हम देखो नेक्स्ट साल में आपको इंशाल्लाह गर्मियों में भी आएंगे। गर्मी में तो माशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बड़ा हो चुका होगा और आराम मिलेगा तो इंशाल्लाह आएंगे जरूर। देखिए बीबस ये जो है इनके पास सारी जो है ना चीज़ें लगी हुई हैं, इसमें मैं बता देता हूँ ये देखिए आप इनके पास कॉफ़ी की टॉपिक रखी हुई है, ये चॉकलेट की है, ये ब्लूबेरी की है, ये स्ट्रॉबेरी की है, ये कैरामल की है, और ये इनके पास नट्स रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट जो ये आइसक्रीम के ऊपर डाले होते हैं, और ये टॉपिक्स रखे हुए हैं और ये गुलाब और ये ओरियो और राइट बिस्किट की भी आइसक्रीम के फ्लेवर में है, ये क्रीम्स रखी हैं सारे इनके पास, ये कैशू रखे हुए हैं, मैलो और पाइनएप्पल सारी जो है ना नेचुरल है, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, और रियल फ्रूट के साथ जो है उसको शेक बनाते हैं, और शेक बनाने के बाद फिर वहाँ रोलर कोस्टर पे वो शेक जाता है और वो एक प्रोसेस होता है उसका, और वो फिर आइसक्रीम बनती है और वो उसके बाद फिर सर्व की जाती है ना। मेरा नाम मुकेश पर्याल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए हमने अपने रेस्टोरेंट का नाम जो है छोटा मिनी रेस्टोरेंट है अभी। इंशाल्लाह आप लोगों के कॉमेंट से और सबकी दुआओं से इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, कामयाबियाँ कामरानियाँ अल्लाह आपको भी दे और हमें भी दे इंशाल्लाह। आइसक्रीम के साथ एक दो तीन चीज़ें और भी अभी कर रहे हैं हम, ग्रेजुअली स्टार्ट हो रहा है ठीक है, हम एक साथ में भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पर जी जी माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ चिकन कॉर्न फूड स्टार्ट किया है, और एक हमारे पास जप्शन जायरो के नाम से जो एक प्लेटर है चिकन राइस जायरो, उसमें राइस है और उसकी सैलड होती है, सॉस होता है इसका, तो ये हमारे प्लेटर है माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी कस्टमर्स आते हैं लेकर जाते हैं जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि आप अभी फूड पांडा पे आप लोग आ गए हैं या अभी फूड पांडा? हमने फूड पांडा नहीं, अच्छा फूड पांडा नहीं आया, अच्छा डिलीवरी का मुझे बताइए कि डिलीवरी वगैरह का क्या प्रोसेस है? डिलीवरी का ये है कि अभी हम लोग जो हमारे नियर बाय हैं जो हमारे कस्टमर्स को हमारी कॉल पर वो कॉल कर देते हैं ठीक है, फिर हम डिलीवर करवाते हैं ठीक है। थैंक यू ठीक है। बस देखा आपने कि अभी जो है अराउंड 2-5 किलोमीटर जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ आइसक्रीम पार्लर जो है आपको होम डिलीवरी भी दे रहे हैं, आप ऑर्डर करेंगे वो मैं नंबर भी आपको बता दूंगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, तो आप उसको जो है ना अभी क्योंकि बिगनिंग स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह बहुत आगे कामयाब होगा तो फिर फूड पांडे पे भी आएंगे और दूसरी चीज़ों पर भी आ जाएंगे, लेकिन अभी जो है अराउंड 2-5 किलोमीटर जो है वो फूड डिलीवरी कर रहे हैं, आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं, मैं नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर भी और जो ऑर्डर कर लिए नंबर है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा वो सारी डिटेल ना ठीक। लेकिन मेरे पास अभी जो है आइसक्रीम जो है वो शेक उस पर लगाया था, अभी शेक लगाने के बाद जो है ना आइसक्रीम रेडी हो गई है, और मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप करीब आके दिखाइए, ये देखिए ये आइसक्रीम जो है ये निकल के आ रही है और ये बिल्कुल फ्रेश है, ये अभी चॉकलेट फ्लेवर जो है हमने बनवाया था तो ये चॉकलेट फ्लेवर है, और ये फुल आइसक्रीम ये देखें ये आइसक्रीम का जो टेस्ट आ रहा है अभी इस पे जो है ये गार्निशिंग वगैरह करेंगे जरा सा और फिर ये सर्व की जाएगी, और बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मुझे ठंड लग रही है, लेकिन आइसक्रीम का मज़ा तो है ही ठंड में खाने का, ठंड है तो क्या हुआ, आइसक्रीम तो खानी है। ये देखिए इसका लुक देखें आप कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है, आइस के साथ चॉकलेट है, और ये इसका तरीका भी जो है ना बहुत ज़बरदस्त है निकालने का जो ये रोल होके आ रही है, इसमें जो हमने क्रीम डाली है वो वाइट जो आपको नज़र आ रही है क्रीम है, अच्छा इस पर जो ये वाइट है ये चॉकलेट के साथ क्रीम है जो आपने अभी क्रीम लगाई थी, व्यूअर्स देखें ये अभी जो चॉकलेट फ्लेवर में हमने चॉकलेट और क्रीम फ्लेवर में आइसक्रीम बनाई है ज़फ़र साहब ने, तो वो अभी हमें दी है, हम इसको टेस्ट भी करते हैं और टेस्ट करने के बाद जो है फिर इसका जो है आपको बताते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है और खाने में कैसी है, बिल्कुल रोलर कोस्टर आइसक्रीम कराची में फर्स्ट टाइम जो है मैं खा रहा हूँ, इससे पहले मैंने नहीं खाई है, तो इसको खा के चेक करते हैं और फिर आपको इसका रिव्यू देते हैं, तो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसका पहला जो है ये बाइट ले रहा हूँ और बहुत बहुत जो है ना ये टेस्टी और डिलीशियस लग रही है मुझे, यमी यमी मिल के लग रही है। मैं इसको लेता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सबर नहीं हो रहा, दूसरा स्पून भी लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। आतंक है भाई ये, आतंक आतंक समझते हैं ना, सब कुछ खत्म है फिर इसके आगे ना। इतनी जबरदस्त आइसक्रीम है, अभी मैंने क्योंकि मेरी फेवरेट चॉकलेट ही है तो मैंने जबर साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमें चॉकलेट जो है आइसक्रीम बना के दें, तो उन्होंने चॉकलेट बनाई और उसके साथ ऊपर जो इस पे कैंडीज जो डली हुई हैं और जो टॉपिंग हुई हुई है चॉकलेट की और वाइट चॉकलेट की और चॉकलेट चिप की और जो सॉस डाला है ना चॉकलेट का, वो उसने जो है ना टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया। और आइसक्रीम तो होती बेहतरीन है क्योंकि ये नेचुरल फूड से बनी हुई है तो इसलिए जो है ज़बरदस्त। देखिए व्यूवर्स, ये अभी मैंने चॉकलेट आइसक्रीम खाई है, उसको टेस्ट करा है, वो तो लाजवाब थी। तो अभी जबर साहब ने हमें जो है स्पेशली, ऑफ सीजन है, स्ट्रॉबेरी अवेलेबल नहीं है अभी, तो स्पेशली जो है मंगाई है स्ट्रॉबेरी और उसका शेक बनाया है और फ्रोजन स्ट्रॉबेरी मंगाई है और बहुत एक अच्छे स्टोर से आई है, मेरे सामने ही आई थी और उसका स्ट्रॉबेरी शेक बनाया। स्ट्रॉबेरी शेक बना के अभी जो है स्ट्रॉबेरी भी मुझे टेस्ट करने के लिए दी है, अभी इसको टेस्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि चॉकलेट के तो मैंने एक स्पून नहीं दो स्पून लिए थे, उसके बाद मैंने रिव्यू दिया था, अभी इसका मैं रिव्यू करके फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें लाया फरमाइए, ज़बरदस्त है इसमें जो मैं आपको बता दूँ, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में जो चीज़ें गार्निशिंग की गई है ना इसके ऊपर, इसमें ये स्ट्रॉबेरी की जैली है और स्ट्रॉबेरी के ये देखिए स्ट्रॉबेरी के जो है ना चिप्स इसमें डाले हैं और इसमें जो क्रीम लगाई है वो व्हिप क्रीम लगाई है और स्प्रिंकल है स्ट्रॉबेरी और मिक्स इसमें शुगर कॉटेड ना ये स्प्रिंकल है, इसने इसका टेस्ट और इन्हेंस कर दिया और ज़बरदस्त हो गया है। मैं एक स्पून और लेता हूँ और मैं फिर आपको बताता हूँ। और ये मैं स्ट्रॉबेरी के जैली के साथ ले रहा हूँ, ये देखिए माशाल्लाह, ये तो मैं जितनी खा लूंगा जितने भी फ्लेवर खा लूंगा मैं सबके लिए यही बोलूंगा कि भाई आतंक फ्लेवर है सारे, सारी आइसक्रीम भूल जाए सीधे इधर ही आ जाएंगे ब्लॉक एंड में, हस्बैंड एंड वाइफ आइसक्रीम पार्लर पे और रोलर कोस्टर खाइए और इंजॉय करें, ठंड है तो क्या हुआ आइसक्रीम तो खानी ही है। ये देखिए व्यूअर्स, अभी मैंने चॉकलेट आइसक्रीम खाई, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई और उसके बाद जो है जबर साहब ने जो है हमें इनकी स्पेशल सिग्नेचर ये डिश है, ये चिकन जायरो है, इसके साथ जो इसमें जो राइस है ये चिकन स्टॉक के राइस हैं, इसमें चिकन की यखनी में बने हुए ये राइस है, ये येलो कलर के, येलो कलर नहीं है ये यखनी का कलर है, इसके ऊपर क्रीम की सॉस है और गार्लिक सॉस है और ये एक सिग्नेचर जो है गायरो चिकन है, जो मैंने इसके स्पाइसेस अभी पूछे हैं तो वो सीक्रेट हैं क्योंकि वो इनके सिग्नेचर डिश है, ऑफिशियली सीक्रेट रखे हुए हैं। और ये जो वाइट सॉस आपको दिख रहा है ये भी इजिप्शियन ही सॉस है, इसको बोलते हैं ज़िकी, 30 सालन से इसमें ज़िकी सॉस है, अभी इसको टेस्ट करते हैं और फिर मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। ये भी जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसके प्लेटर कितने की है ये प्लेटर शेप में देते हैं, अभी मुझे टेस्ट कराया जा रहा है तो मैं इसको टेस्ट करके फिर मैं आपको प्लेटर की डिटेल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक हम इसमें से चिकन के पीस लेते हैं और थोड़े से राइस लेते हैं और इसको टेस्ट करते हैं और फिर सॉस हम ऊपर से लेंगे इसके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन है, बेहतरीन है, जो इसमें जूसी है ना, जो चिकन जायरो में जो एक जूसी है पूरा मैट हुआ हुआ है और पूरा बना हुआ है, उसका स्पाइस जो है वो थोड़ा स्पाइसी भी है और थोड़ा नॉन स्पाइस भी है, जो बहुत एक मुनफरिद डिश है जो अभी यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है, ये जायरो लग रहा है कि हाँ जायरो ही है। और जो ये चिकन स्टॉक राइस है ये भी बहुत ज़बरदस्त है और इसके साथ जो ये इन्होंने सॉस जो डाला है गार्लिक सॉस है और क्रीम सॉस है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। एक मैंने सिर्फ प्लेन राइस का साथ बाइट लिया है स्पून के साथ और एक चिकन के साथ लिया है, अब मैं एक जो राइस बाइट ले रहा हूँ
वो जायरो और तर्जे की सॉस के साथ ले रहा हूँ, चिकन जायरो और तर्जे की सॉस। तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये चिकन आ गई है और ये तर्जे की सॉस आ गया है। ये सॉस का जो एक टेस्ट है ना, वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। बेहतरीन है, बेहतरीन है। इसकी मैं डिटेल बता दूं, ये देखिए ये प्लेटर है 550 रुपीज़ का। ये प्लेट नहीं है, ये फुल आएगा 550 का है। इसमें दो चीज़ें मैं आपको ऐड कर दूं, वो मैंने खा ली हैं। कुछ कंट्रीज़ में जो है इसको जो है वो सैलेड के साथ भी पेश करते हैं, और कुछ कंट्रीज़ में जो है इसको पीटा ब्रेड जो है उसके साथ यूज़ किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि राइस के लवर हैं सारे, और चिकन के भी सब लवर हैं, तो ज़बरदस्त आपने जो इसको स्पेशली करा है। आपको अगर पीटा ब्रेड चाहिए तो पीटा ब्रेड भी अवेलेबल होगी इस प्लेटर के अंदर, और सैलेड भी होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत मुनफरिद डिश है, ये भी इनका सिग्नेचर डिश है। रोलर आइसक्रीम कोस्टर तो है ही ज़बरदस्त। अभी इन्होंने कॉर्न सूप भी इंट्रोड्यूस करा दिया है, ये नई चीज़ उन्होंने। आप आए हैं तो आप इसको भी लाजिम जो है टेस्ट करें, और इसका भी जो है ना रिव्यू दीजिए। तो आप कमिंग आइए यहाँ पे, और बहुत फैमिलीज के साथ आइए, और बहुत अच्छा और बहुत रिजनेबल प्राइस में बहुत मेयारी। इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, जब आप सरीना मोबाइल मॉल से डीसी ऑफिस की तरफ आएंगे तो डीसी ऑफिस के सामने जस्ट सामने वाली गली में ही ये अवेलेबल है, हस्बैंड एंड वाइफ ब्यूटी आइसक्रीम पार्लर के नाम से। अगर आप वाटर पम्प से बीए की साइड से आ रहे हैं तो वाटर पम्प से आप आएंगे गुलबर्ग, गुलबर्ग के बाद आप आएंगे पीपल्स चौरंगी, पीपल्स चौरंगी से जब आप आगे बढ़ेंगे तो बैंक आएगा, बैंक अगर अभी भी उसके वाली ही गली में आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो इसकी लोकेशन है। और इसके प्राइस जो है मैं आपको बोर्ड जो है मेंशन कर दूंगा, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और वीडियो में भी चल रहा होगा। और मैं इसका जो है टोटल डिटेल जो है ना वो मैं कार्ड भी मेरे पास आ गया है, मैं आपको कार्ड में दे दूंगा। इसका शॉप नंबर 6 है, हबीब टेरेस से अपोजिट सेंट्रल डीसी ऑफिस। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। अगर किसी को अपनी बर्थडे पार्टीज़ के लिए और दूसरी ओकेजन्स के लिए बुक करना चाहें तो आप बुक कर सकते हैं, तो आपको ये जो है मिल जाएगा ना, अच्छा बल्क ऑर्डर में भी मिल जाएगा। और मेरी अभी ज़बर साहब से बात हुई है तो ज़बर साहब ने कहा है अगर आपके चैनल के लिंक से कोई आएगा तो वो उनको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मकसूद डिस्कवर वर्ल्ड 5% डिस्काउंट। तो आप वो कोड आके यहाँ बताएंगे तो आपको होल मेन्यू जो भी आप लेंगे उस पर आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। एंड देन दो चीज़ें, अभी चिकन कॉर्न सूप भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो वो भी आपको, और एक इजिप्शियन डिश है वो जो है गायरो के नाम से है, चिकन गायरो, उसमें राइस है, उसका एक स्पेशल सॉस है जो इनका सिग्नेचर है ना। और दूसरी जगहों पे रेस्टोरेंट पे जो मिल रहा है वो रोल की शक्ल में मिल रहा है, यहाँ पे वो प्लेटर की शक्ल में है और बहुत अच्छे प्राइस में है, बहुत अच्छे प्राइस में। तो वो आप आके ज़रूर टेस्ट करें। मैं स्पेशली आइसक्रीम के लिए आया था, रोलर कॉस्टर के लिए वो मैंने टेस्ट करी है, बहुत लाजवाब है। अल्लाह ताला इनके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाए। अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा गर्मियों में तो ये पॉलर एक्सटेंड हो चुका होगा, हो सकता है इसकी एक दो जो है फ्रेंचाइज भी कोई ले ले, क्योंकि अभी पाइनियर हैं ज़फ़र साहब, तो ज़फ़र साहब का आगे का जो प्लान है वो यही है कि इसके फ्रेंचाइज आगे बढ़ाएंगे ना। और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ठीक है। दिस इज़ मकसूद साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।